गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी डेली एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज है 2 फरवरी 2023। कल ओवरनाइट में एफओएमसी रेट डिसीजंस था, जहां पे इन लाइन क्वार्टर बेसिस पॉइंट रेट हाइक हुआ है और कुछ मेजर सरप्राइजेस था नहीं। डॉलर इंडेक्स कल आफ्टर द पॉलिसी डिसीजंस हमारा जो रेंज था, मच अवेटेड रेंज था, 18th of January का एक स्पिनिंग टॉप था, उसके जो रेंज के बाहर टूटने का इंतजार था, कल फर्स्ट टाइम ये टूट चुका है एंड फाइनली वो नीचे जाके क्लोज दिया था 101.17, अभी है 100.92। ये आप डेली पे यहाँ पे रेंज शिफ्ट करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन कल ये उल्टा 40 में रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आया है। यहाँ पे और भी सेल ऑप्टिक्स का प्रयास कर सकते हैं। हालांकि डॉलर इंडेक्स इज नॉट ए ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट, लेकिन उसके इक्विवेलेंट अदर करेंसी पेयर्स में हम अकॉर्डिंगली ट्रेड पोजीशंस कर सकते हैं। डॉलर रुपी पे एक कंसोलिडेशन आ रहा है, द वे इंडेक्स नीचे गिर चुका है, सॉफ्ट हो चुका है, उस हिसाब से रुपी में उसका इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। वन ऑफ द रीजन इज सीएनएच कंसोलिडेट कर रहा है आपका 6.69 ऑन द लोअर साइड एंड 6.79 ऑन द हायर साइड। जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं करता है डॉलर सीएनएच में ज़्यादा कुछ हम एक्टिविटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते एंड तब तक रुपी में भी ज़्यादा कुछ मेजर सरप्राइजेस, रेंज शिफ्ट वाला, एक जगह से दूसरे जगह में शिफ्ट करने वाला कुछ थोड़ा सा केयरफुली हमें देखना पड़ेगा। सो दैट मीन द केस हमें फिर दोबारा इंतजार आएगा 82.25 ऑन द हायर साइड और नीचे के तरफ माइनर जो सपोर्ट है दैट इज आपका 81.30 से 81.40 के बीच में क्या इस रेंज को ब्रेकआउट करता है या कितने दिन इसके अंदर में रहता है वो हमें देखना पड़ेगा। जीबीपी डॉलर स्ट्रेंथ बरकरार है एंड ट्राइंग टू ब्रेक अबोव द रेजिस्टेंस लेवल दैट इज 1.24 का। यहाँ पे अगर हम वीकली में देखेंगे जीबीपी डॉलर, वहाँ पे भी इट इज जस्ट एट 60। सो एक बार विच इज ऑल्सो एट 60 जीबीपी डेली वाला। सो आपका ये रेंज ब्रेकआउट के लिए इंतजार है, एक बार इस रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट कर दे देन हम एक अच्छा खासा अपवर्ड बायस देख सकते हैं। लेकिन आज ईसीबी एंड बीओई के रेट डिसीजन से क्या वहां पे कुछ सरप्राइजेस आता है या नहीं वो हमें देखना पड़ेगा। जीबीपी आईएनआर में भी आपका ये रेजिस्टेंस एरिया पे ही है, एक बार इस रेजिस्टेंस के ऊपर चला जाए देन एंड ओनली देन इट में टेस्ट 102.50 से 103.50 के बीच में। यूरो डॉलर में अच्छा खासा तेजी देखा गया है कल एंड नाउ इट इज 1.1015। ये डेली पे 60 पे सपोर्ट लेके ऊपर चला गया है, दैट बीइंग द केस एंड ऑल्सो वीकली में भी आपका काफ़ी तेजी है यहाँ पे, दैट बीइंग द केस यूरो डॉलर में और थोड़ा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा ईसीबी का ख्याल रखना पड़ेगा कुछ सरप्राइजेस ना हो, अदरवाइज ये अपवर्ड डायरेक्शन को ले चुका है। बाई डिस में भी कंसिडर कीपिंग ईसीबी एज ए अलर्ट। यूरो आईएनआर में भी अच्छा खासा तेजी यहाँ पे देखा गया है कल। हम बेसिकली यहाँ पे रेंज शिफ्ट का सेल ऑफ के लिए इंतजार कर रहे थे, लेकिन सेल ऑफ हुआ नहीं है, रदर ये ऊपर चला गया है, ऊपर चला जाके अभी है 90.00। उसका वन ऑफ द रीजन इज दैट वीकली जो आपका यूरो आईएनआर है इट इज इन बुलिश जोन, दैट इज वेयर द आवर डेली पे ये इतना रेजिस्टेंस लेके नीचे जा नहीं पाया है। डॉलर येन पे आपका कल एफओएमसी के बाद ये नीचे के तरफ आ चुका है, अभी ये 128.58, लेकिन यहाँ पे अभी भी कुछ एक चीज़ें हैं जो हमें देखना पड़ेगा। आरएसआई क्या ये 40 में सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर की तरफ जाता है, समथिंग लाइक दिस, ये हमें देखना पड़ेगा। अगर होता है देन एंड ओनली देन डॉलर येन पे कुछ स्ट्रेंथ तेजी देखा जाएगा, एल्स ये धीरे धीरे नीचे की तरफ ही जाएगा। सो नीचे अगर जाना है तो रिसेंट जो स्विंग लो है दैट इज 127.25 के आसपास का था, उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। ये नाइनर में यहाँ पे हम यहाँ पर भी एक सेल ऑफ के लिए इंतजार कर रहे थे, मींस डाइवर्जेंस, मल्टीपल डाइवर्जेंस एंड रेंज शिफ्ट, लेकिन वो
आपका क्या बोलते हैं उसको, कुछ टेक्निकल इश्यूज हो रहा था यहाँ पे काफ़ी, मीन्स मैं रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड कर रहा था लेकिन हो नहीं रहा था। तो ये JPY INR पे हम एक सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन उस हिसाब से ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे क्लोज नहीं दिया, रेदर ऊपर चला गया। अभी ये इसको नीचे जा सकता है ओनली व्हेन एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल एनगल्फ कर जाएगा पिछले दो तीन कैंडलों को, देन एंड ओनली देन वी कैन एक्सपेक्ट सम डाउनवर्ड सेल ऑफ। जो यहाँ पे उसका उल्टा दिखेगा, यहाँ पे एक अगर आपका एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल यहाँ पे कोई कारणवश हमें मिल जाए समथिंग लाइक दिस देन ओनली देन हमें ईएन आईएनआर पे भी एक सेल ऑफ दिख सकता है। ये मेरा एक विश लिस्ट है, नॉट कि मैं यहाँ पे होना चाहिए, नॉट लाइक दैट, जस्ट एन विश लिस्ट। इसको डॉलर येन को अगर ऊपर जाना है तो इस टाइप का एक ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, एंड इन सच ए केस येन आईएनआर पे हम एक अच्छा खासा सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डॉलर कैंडी कल ऊपर थोड़ा सा बाउंस ऊपर कर जाने का प्रयास कर रहा था लेकिन फिर दोबारा फेल होके अभी फिर नीचे है 1.3281, इट इज़ हेडिंग टूवर्ड्स 1.32, 1.3225। ऑसी डॉलर में काफ़ी तेजी है यहाँ पे आपका, तो ये कल RSI 60 पे सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, यहाँ पे काफ़ी तेजी है, एंड इमीडिएट जो रेजिस्टेंस जोन था 7050 एंड 7125 उसको भी ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ चला गया है। तो यहाँ पे और भी तेजी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बाई डिप्स मे बी कंसिडर्ड इन दिस इंस्ट्रूमेंट। डॉलर CNH जैसे कि जिस स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था कि ये रेंज से बाहर होना पड़ेगा तभी जाके एक कुछ डायरेक्शंस दे पाएगा। UK ऑयल 83.40, कल हम बेसिकली सेंटर बैंड में सपोर्ट लेने के बाद अपवर्ड मोमेंट ऊपर जाने का हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ये ऊपर गया नहीं, रेदर नीचे टच डाउन कर गया है, नीचे की तरफ है अभी 83.40। तो अभी भी ये ऊपर जा सकता है प्रोवाइडेड ये हायर लो को बरकरार करे, एंड द रिसेंट जो स्विंग लो है, स्विंग लो आपका ये 77.80, इसको जब तक रेस्पेक्ट करेगा तब तक प्रयास कर सकता है कि हायर लो कर सकता है। US 10-year ट्रेजरी 3.41, ये आपका नीचे की तरफ आ गया है आफ्टर FOMC रेट डिसीजंस। तो ये रिसेंट जो स्विंग लो है दैट मीन्स 3.32, इसके लो के नीचे थोड़ा सा और फर्दर सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो करेंसी डेली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही, आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड सर्कल। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।